छत्तीसगढ़ व्यापम से जो है 20 विभागों के 3,000 पदों पर जो है होनी है भर्ती। तो छत्तीसगढ़ में सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आया है। व्यापम से 20 विभागों में भर्ती जो है आपका होना है 3,000 पदों पर, तो छत्तीसगढ़ में होगी। सहायक प्राध्यापकों के जो है 2,000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब नौकरी पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट्स हैं। और व्यापम में तो सबसे ज़्यादा भर्ती होती है, आप लोगों ने देखा भी है। और व्यापम से जो है टोटल 20 विभागों से 3,000 पदों पर जो है आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर, और सहायक प्राध्यापक के 2,000 पोस्ट निकल कर आया है। तो इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। तो यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप फॉर्म फिलअप जो है कर पाएंगे। साथ ही आपका जो है बीएड कंप्लीट होना चाहिए और डीएलएड आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आपने बीएड कंप्लीट किया हो या फिर डीएलएड कंप्लीट किया हो, दोनों में से एक अगर आपका क्वालिफाई है बहुत अच्छी बात है। साथ में आपका जो है टेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होना चाहिए। बिना टेट एग्ज़ाम पास किए आप जो है टीचर्स नहीं बन पाएंगे। और 20 विभागों में जो है 3,000 पदों पर आप लोगों के लिए और अच्छी भर्ती निकल कर आया है। और ये 3,000 जो पोस्ट हैं ये आपका जो है सहकारिता विभाग में भी काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं, काफ़ी अच्छी पहल जो है हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है अपडेट्स हैं। 3,000 पोस्ट है और ये पहली बार है जब इतने ज़्यादा 3,000 पोस्ट 3,000 वैकेंसीज आप लोगों के लिए सहकारिता विभाग में निकल कर आया है। अभी तक जो है इतने ज़्यादा पोस्ट जो है निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए नहीं आया है। तो आपको यही बताना चाहता हूँ, यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 3,000 पोस्ट हैं, मेहनत अच्छे से करना, तैयारी अच्छे से करना, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। जितना तुम मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, आप लोगों को उतना ही एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आप लोगों के लिए उतना ही एक बेहतर जो है एक अच्छा रिजल्ट जो है होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ व्यापम से 20 विभागों के 3,000 पदों पर होनी है छत्तीसगढ़ में भर्तियां। तो एक के बाद जो है एक एक करके आप लोगों के लिए भर्तियां, एक एक करके आप सभी स्टूडेंट के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई अपडेट जो है होने वाला है। तो जितना तुम तैयारी करोगे, जितना तुम मेहनत करोगे, आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा होगा, आप लोगों को उतना ही एक बेहतर एक बेस्ट एक अच्छा रिस्पांस जो है अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ व्यापम से 20 विभागों के 3,000 पदों पर होनी है भर्ती। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई सौगात, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। बस इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ का आपको लाभ उठाना है। तो इन सभी और ये सभी अपॉर्चुनिटीज़ हम सभी स्टूडेंट के लिए एक के बाद एक जो है आते जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो सहायक प्राध्यापक बनना चाहते हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए भी अच्छी अपडेट्स हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज़ की कमी नहीं है, एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्ती है छत्तीसगढ़ में, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नए नए स्किल आप सभी स्टूडेंट के लिए डेवलप हो रहे हैं। और ये सब कुछ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ जो है आप किस तरीके से उठा सकते हैं, उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा आप किस तरीके से ले सकते हैं। अगर अच्छे से तैयारी करोगे, अगर अच्छे से तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा। अगर अच्छे से तैयारी नहीं किए, अगर अच्छे से मेहनत नहीं किया तो आपका सिलेक्शन जो है किसी भी तरह से नहीं हो पाएगा। तो सब कुछ तो अगर आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, बस जिस तरीके से तुम तैयारी कर रहे हो उसी तरीके से तैयार करो, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। बहुत सहायक प्राध्यापक के वैसे भी 2,000 वैकेंसीज निकल कर आया है। और कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको और बहुत अच्छा लगा हो और आपके अंदर वो मोटिवेशन आए। देखिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। क्योंकि वक्त होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नई नई भर्ती व्यापम में जो है निकल कर आ रहा है और अलग अलग विभागों पर। तो व्यापम जो है एक विभाग है और पीएससी है, बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, सभी में कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है और उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको जो है सोचना है। और उम्मीद हमें कभी भी छोड़ कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। तो अपनी उम्मीद को कभी भी
मत छोड़ो। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। तो यदि आप भी असफल हो रहे हैं तो हार बिल्कुल भी मत मानना। अगर हार मानोगे तो कभी सफल नहीं पाओगे। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। ठीक इसी तरह से अगर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आ रहे हैं, अगर आप उनकी वैल्यू नहीं समझेंगे, जब वो वैकेंसीज निकल जाएगा उसके बाद आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, तो बाद में अगर आपको रियलाइज़ होगा तो उसका भी कोई भी बेनिफिट जो है होने वाला नहीं है। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रख वक्त तेरा भी आएगा। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको फॉलो करना है ताकि आपकी ज़िंदगी में और कुछ बड़ा मुकाम आप जो है हासिल कर सके, और उन सभी मुकाम को आप जो है पा सकते हैं। आप ज़िंदगी में हर एक उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में हर उस कामयाबी को पा सकते हैं। तो ज़िंदगी में हर उस कामयाबी को पाने के लिए, हर उस मेहनत और हर उस चीज़ को पाने के लिए आपको तैयारी करना होगा। जितना तुम मेहनत करोगे, जितना तुम तैयारी करोगे, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उतना ही तुमको एक बेहतर, एक बेस्ट रिस्पॉन्स, एक अच्छा रिज़ल्ट जो है मिल पाएगा, देन आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। अगर आपको एक सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो कुछ चीज़ों की आदतें आपको जो है छोड़ना पड़ेगा। आपको अच्छी चीज़ों को अपनाना है, सही चीज़ों को अपनाना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियोस अच्छा लगा हो, वीडियोस पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी तरह से नई नई वीडियो जो है आप सभी स्टूडेंट को मिलते रहेंगे, और नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। और इसी तरीके से नई नई वीडियोस हम सभी स्टूडेंट के लिए एक के बाद एक जो है निकल कर आते जाएंगे। बस तैयारी करो और अपने काम पर ध्यान लगा, और व्यापम से अलग अलग विभागों में 20 विभागों से नई भर्ती जो है होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है इसमें। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी इनके द्वारा निकाले जाते हैं।